हमर नाम अनुज का हो, हम चंदाघासी से आही। सुनत ही कि जैविक खाद बनाई सला। हाँ हम बनाई ला और अपन जैविक खाद से हम खेती भी करी ला। ये तो बहुत बढ़िया बात है दीदी। आज हम अग्नियास्त्र बनाए लगल हियो, चल अच्छा, दिखा दबो बनाए के। ये अग्नियास्त्र का हो ला? ये बड़ा और छोटा कीड़ा के मारे वाला एक ठो दवाई हो उला। अग्नियास्त्र बनाए के लिए तंबाकू कर गुड़ा 1 किलो और ये रसुन कर आधा किलो और ये 5 किलो नीम का पत्ता और ये मरचाई आधा किलो और ये मूत्र 10 लीटर। गाय का मूत्र सबसे अच्छा हो ला, लेकिन जेकर घर में न खाई से मन भैंस कर लाई सकती ना, चाहे कि बकरी सब कर लाई सकती। नीम कर पत्ते के सबसे पहले अच्छा से कूट के और गुड़ा कर लेवे के चाहिए। नीम का पत्ता तो हो ही गेलो, अब मरचाई के कूटबे। मरचाई तो हो ही गेलक, अब रसून के कूटबे। अब हीकर में डालबे पहले मूत्र के, 10 लीटर मूत्र के। फिर अब हम नीम कर पत्ता डालबे हीकर में। रसुन के दे अब तंबाकू चूर्ण के दे। और अब मरचाई कर चूर के दे। अब इस सबके मिलाई के और चार बार डपकाई के लगो और इके ढक्कन ढाप के छोड़ दे और चार बार उबला। इके कते दिन तक राख सकिन? ई तोर ज्यादा से ज्यादा 3 महीना रहता, ऊपर से बेसी नहीं, और दूसर बनाए लेबे ये तरीका से। अब तो ये हो गेलो तैयार, इके उतराए दो थियो। अब 2 दिन बाद भेटाबे ठंडा जाते। अच्छा ठीक ठीक ठीक। इके छानबे। ठीक ठीक। ते इके जैसे कि 1 एकड़ के लिए 2.5 लीटर दवाई में 100 लीटर पानी के मिलाई के और कोई भी चीज में छिड़काए सकीला, सब्जी सब में, धान का खेत सब में छिड़काए के लगो। महिला समूह से जुड़कर किसान दीदी ने खेती के नए नए तरीके सीखे और अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अन्य किसानों को भी इसकी जानकारी दे रही है।